क्या बात है बुआ जी? देवरक्षिका, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये बात आपसे कैसे कहें, लेकिन कुछ दिनों से हमारा दिल किसी अनजाने से डर की वजह से बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? आपको भी मतलब? बुआ जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कोई तो है हम सबके बीच जो ये सब कुछ कर रहा है, पर हमारा दिल कह रहा है कि इस राज परिवार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। हमें आज रात ही जहां हमें एक हवन करना है, ताकि वो जो कोई भी हो जो इस राज परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो खुद बहुत हमारे सामने आ जाए। लेकिन हम वो हवन करेंगे कहां? नागों की दुनिया के गढ़। आपका मतलब है कि नैमिष्य वन में? राजकुमारी रूपलेखा, आप मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हैं? इसे कहते हैं मछली की आंख पर तीर मारना। बेचारा माधव, वो तो समझ रहा होगा कि उसकी प्यारी मनु चैन की नींद सो रही है, लेकिन उसे क्या पता कि वो बहुत जल्द मौत की नींद में सोने वाली है। रुकिए देवरक्षिका, आप देवरक्षिका के रूप में इस वन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस निमिष वन में प्रवेश करने के लिए आपको देवरक्षिका की सारी चीजें छोड़नी होंगी। इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हैं? रूपलेखा जी, हमने अभी अभी देवरक्षिका और बुआ जी को महल से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? देवरक्षिका को आपको जरूर कोई वहम हुआ है। अभी अभी तो देवरक्षिका को अपने कमरे में सोते हुए देखा ना। हाँ रूपलेखा, लेकिन हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। आपके और देवरक्षिका की दोस्ती का रंग इतना गहरा हो चुका है कि इस पर हमारे सिंदूर का रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम ही एक कदम पीछे ले लेते हैं। हम आपके और देवरक्षिका के बीच में से हट जाने वाले हैं। बस। लेकिन क्यों बुआ जी, मैं देवरक्षिका के रूप में अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए क्योंकि ये नागों का वन है और नागों की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि आप देवरक्षिका हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर किसी खास कार्य की वजह से यहाँ पर आई, तो फिर वो लोग अपनी शक्ति से एक साथ आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए इस वन में प्रवेश करने से पहले हमें आपका तेज कम करना होगा, अपने सारे गहने उतारने होंगे। देवसेना, मनस्विनी को लेकर हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बड़ी अम्मा, अब हमारी मनु वो पहले वाली मनु नहीं रही। वो एक देवरक्षिका है, पूरे राज परिवार की ढाल है वो। किसी को दे देने के बाद ढाल बनाने वाला वो लोहार ही जानता है कि
उस ढाल से उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो आपको लगता है कि मनु किसी खतरे में है? हाँ देवसेना, और हमारा आभास कभी गलत नहीं होता। अगर वाकई मनु किसी खतरे में है बड़ी अम्मा, तो हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अब मुझे मेरा काम करना होगा। मुझे किसी भी तरह इस परिवार के सारे सदस्यों को मनाना होगा कि कल सुबह होते ही मेरे और माधव की सगाई करवा दे। ये तो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये काले जादू वाले भस्म से मिला खाना खाने के बाद ये सब लोग वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ। ये कौन सी जगह? ये नागों का गर्भ है, हमें यही हवन करना है।